दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल VGFX पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूजर सेटिंग के बारे में कि यूजर सेटिंग क्या होती है EDS में और उसका हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ सेटिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ही आपका होता है यूजर सेटिंग। ये नीचे जो ऑप्शन होता है ये वाला, यहाँ पर आप जाइए और जाने के बाद जो हमारे काम की जो चीज़ें होती हैं इसमें एप्लीकेशन में आपने कुछ नहीं करना होता, ठीक है। ये एज इट इज आपका रहेगी इन्फॉर्मेशन, प्रॉक्सी, आपकी प्रोजेक्ट फाइल यही रहेगी, फाइल नेम EDS 10 डाला हुआ है, आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। टाइमलाइन की जो सेटिंग है एज इट इज यही रहती है, इस पर छेड़छाड़ करने की सेटिंग। जो मेन पार्ट जो होता है आपका ये होता है ड्यूरेशन का पार्ट, यानी कि यहाँ से जो भी आप स्टिल इमेजेस आप यूज करते हैं यहाँ से यहाँ बीन में इंपोर्ट करते हैं उसके लिए, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे 5 सेकंड की है और यहाँ से आप कर्सर के थ्रू 6 सेकंड की ले सकते हैं, 7 सेकंड की ले सकते हैं, 8 सेकंड की ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 5 सेकंड कर रहा हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पर टाइटल। टाइटल आपका मिनिमम 5 सेकंड का लगा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो इसको 10 से 15 सेकंड भी कर सकते हैं, सिर्फ आपने कर्सर के थ्रू इसको 15 सेकंड कर देना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो जब भी आप टाइटल ऑन करोगे, यानी कि कोई भी टाइटल आप बनाते हो, तो ऑटोमेटिक वो 15 सेकंड तक आपकी वीडियो के ऊपर लगेगा। ठीक है, यहाँ से मैं फिलहाल इसको 5 सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद पैरेलल ट्रांसफ़र, रिस्टोर ऑफलाइन क्लिक, ये एज इट इज सेटिंग रहेगी आपकी। और सिर्फ इसमें ड्यूरेशन जो है वो आपके काम का मैच करता है हमेशा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो म्यूट ड्यूरेशन एक ही रहेगा हमेशा। तो दोस्तों ये था यूजर सेटिंग के बारे में, आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई चीज़ें। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।